Ladies and gentlemen, this evening's musical treats at the Jaipur Music Stage include performances by Dub FX featuring Sahida Apsara and Mahesh Vinayakram, followed by another stunning performance by Soulmate. To avail passes, please get online onto bookmyshow.com or find them at the venue Clark's Amer. The next session, the book launch, we have Raag Pahaadi, which is the stunning Hindi rendition of Namita Gokhale's epic novel, Things to Leave Behind, translated by the legendary Pushpesh Pant. It transports us to the Kumaon Himalayas during the days of the British Raj, as seen through the eyes of a memorable cast of characters. Please join me in welcoming our dear festival director, Namita Gokhale, the translator, Pushpesh Pant, along with Vani Tripathi Tikoo, and the editorial director of Rajkamal Publications, Satyanand Nirupam. Thank you. Namaskar. Raag Pahaadi. Raag Pahaadi kahani hai shashwat prem ki, milan aur vichoh ki, adamya jijivisa ki. Yah 19vi sadi ke madhya se 20vi sadi se pehle ke kumaon ki katha hai. इसमें 1857 की आज़ादी की लड़ाई का ऐतिहासिक प्रसंग है, तो सती और नैना देवी की पौराणिक कथाओं का प्रसंग भी है। राग पहाड़ी नमिता गोखले जी की उपन्यास त्रयी, बल्कि पहाड़ और कुमाऊं की पृष्ठभूमि में लिखी गई उपन्यास त्रयी की तीसरी कड़ी थिंग्स टू लीव बिहाइंड का हिंदी अनुवाद है। थिंग्स टू लीव बिहाइंड जैसी सुंदर कृति के हिंदी अनुवादक हैं आदरणीय पुष्पेश पंत जी, जिनको आप सब लोग भाषा में कई तरह से पढ़ते हैं, कभी राजनीति पर, कभी खान पान के बारे में, कभी संस्कृति के बारे में,
कभी भाषा के बारे में। पुष्पेश जी पर बात बाद में, किताब पर बातचीत आगे और होगी। इस सुंदर किताब के लोकार्पण से पहले, उस पर बातचीत से पहले, मैं जाने माने संस्कृतिकर्मी, रंगकर्मी, फिल्मकार वाणी त्रिपाठी जी को आमंत्रित करना चाहूँगा एक मीठे लोकगीत के गायन के लिए। दरअसल चैत आने में ज़्यादा दिन रह गए नहीं हैं, काफल पकने के दिन आ रहे हैं, तो बेड़ूपा को गीत सुनने का मौसम बन गया है और यह उपन्यास बेड़ूपा को गीत के बगैर पूरा हो नहीं सकता था, इसलिए इसका लोकार्पण भी इसके गायन के बगैर शुरू हो नहीं सकता। बहुत ही सुंदर समीक्षा की इस गीत की, और मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि मेरी प्रिय किताब है और अब हिंदी पाठकों के लिए उपलब्ध है, इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं नमिता जी को, पुष्पेश जी को, सत्यानंद जी को। और बेड़ूपा को आत्मा है पहाड़ की, सिर्फ लोकगीत नहीं है, इस लय को सुनते ही पहाड़ कुमाऊं जैसे बिल्कुल सामने आके खड़ा हो जाता है, और आत्मा है इस बहुत सुंदर किताब की। बहुत बहुत शुभकामनाएं नमिता जी। बेड़ूपा को बारमासा, बेड़ूपा को बारमासा, ओ नरण काफल पाको चेत मेरी छेला, ओ नरण काफल पाको चेत मेरी छेला। बेड़ूपा को बारमासा, बेड़ूपा को बारमासा, ओ नरण कापल पाको चेत मेरी छेला, ओ नरण कापल पाको चेत मेरी छेला। भून भून दिन आयो, भून भून दिन आयो, ओ नरण बूझ तेरी मेत मेरी छेला, ओ नरण बूझ तेरी मेत मेरी छेला। बेड़ूपा को बारमासा, बेड़ूपा को बारमासा, ओ नरण काफल पाको चेत मेरी छेला। अल्मुड़ा की नंदा देवी, ओह अल्मुड़ा की नंदा देवी, ओ नरण फूल छदनु पात मेरी छेला, ओ नरण फूल छदनु पात मेरी छेला। त्यार खुटा में, त्यार खुटा में, त्यार खुटा में कांटो कांटो, ओ नरण नरण मेरण मेरी छेला। बेड़ूपा को बारमासा, बेड़ूपा को बारमासा, ओ नरण कापल पाको चेत, ओ नरण कापल पाको चेत। बेड़ूपा को धन्यवाद। तो नमिता जी से और पुष्पेश पंत जी से अनुरोध है कि वे आएं और किताब के लोकार्पण की प्रक्रिया पूरी करें। वाणी जी, अलिंद आप भी मंच पर आएं।
कुछ चीज़ें विश्वास से परे की होती हैं लेकिन होती हैं, जैसे कि आज नमिता जी के इस किताब के लोकार्पण में उनके साथ मंच साझा करना। 10 साल पहले इस JLF में मैं बतौर सहयोगी उनके साथ आया था, वो लेके आई थी यहाँ। इस 10 साल की जो मेरी यात्रा है संपादक के रूप में, यह किताब की भी एक यात्रा है। वो मेरी मेंटर हैं, आज मैं उनका एडिटर हूँ, ये मेरे लिए एक भावुक कर देने वाला क्षण है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं नमिता जी से अनुरोध करूँगा कि वे अपनी इस किताब के अनुवाद के प्रकाशन के बारे में कुछ शब्द कहें। मैंने ये किताब अंग्रेज़ी में लिखी, इसलिए मैं आपको इस किताब के बारे में अंग्रेज़ी में ही बताऊंगी। Things to Leave Behind is set in the Kumaon Himalayas from the years 1840 to 1910. And it gives an idea of how life changed in the mountains and how with life changing in the mountains, life also changed in the rest of India and the rest of the world. And this book is, of all the 18 books I've written, this is perhaps the book which is the most important to me. It is close to my heart for these reasons. Some of my books translate well into Hindi and some don't. Years ago, I wrote a book called Shakuntala, The Play of Memory. And when it came out in a Hindi translation, the Hindi translation actually worked better than the English edition. It's the same with this book. My dear, dear cousin, Pushpesh Pant, who is one of the most multifaceted people I have ever met, who liked the book, who understood the book because he had grown up in the same sort of place as the book, in the same families, in the same childhoods, as indeed my dear friend Vani Tripathi Tikoo has also grown up in the hills. There have been a few writers who have written magnificently about the Kumaon Hills. There has been Shivani, the famous Gaura Pant Shivani, who was his aunt. And my distant aunt, and there was Manohar Shyam Joshi, and these two people for the rest of India exemplify what life in the mountains used to be, the romance, the beauty, the tragedy of those places. So when Pushpesh agreed to translate it into Hindi, I never thought of it as a translation. I thought of it as a way of returning it to the language in which it should already have been first written. I'm going to now request, Nirupam ji, do we ask Vani to say a few words, or we say ask Pushpesh to say a few words? All right. So Pushpesh, if you can speak a little in English and mostly in Hindi, because there are some people in the audience who may not. I think I didn't have a choice. I would have preferred to use Hindi, but as Namita very rightly points out, I will revert to Hindi. I will come remain in Hindi. मगर एक शब्द ऐसा है जो शायद अंग्रेजी में ज़रूरी है कि जब मैंने पहली बार इस किताब को पढ़ा और कई बार पढ़ा तो अंग्रेजी में जिसे कहते हैं कि it began to haunt me. वो लगभग एक प्रेतात्मा की तरह मेरे ऊपर आविष्ट हो गई और फिर मैं उसको छोड़ नहीं सकता था। मुझे लगा कि मैं कुछ करूं या ना करूं, शी इज़ बीन वेरी काइंड टू से कि अनुवाद करना मेरे लिए विकल्प था ही नहीं, अनुवाद मैंने करना ही था क्योंकि वो किताब बिना अनुवाद किए मेरी अपनी नहीं हो सकती थी। और जैसा इन्होंने कहा नमिता ने, ये किताब शायद लिखी हिंदी में ही जानी चाहिए थी क्योंकि ये जहाँ से शुरू होती है, और आज ये इस आयोजन का बड़ा सौभाग्य है कि वाणी ने बेड़ू पाको से इसे शुरू किया, क्योंकि जहाँ से ये उपन्यास शुरू होता है और आप लोग पढ़ेंगे वहाँ एक न्योली है, एक औरत गाती है और उसकी आवाज़ टकरा कर लौट कर पहाड़ियों से आती है और अनुगूज सुनती हैं। मेरे लिए ये उपन्यास कम एक न्योली ज़्यादा है जिसमें एक विरही व्यक्ति गाता है, फिर विरही महिला गाती है, फिर उसकी आवाज़ लौटती है और जवाब एक विरही नायक देता है। अब ये कई बार हम इसमें दोहरा चुके हैं, बहुत संक्षेप में मैं कहना चाहूँगा, इसकी पृष्ठभूमि पहाड़ है। शायद इसकी पृष्ठभूमि पहाड़ नहीं है, ये पहाड़ के वो सारे ताने बाने हैं जो पहाड़ियों को इस देश से जोड़ते हैं। इसमें उस काल का बम्बई है, उसमें विवेकानंद का अल्मोड़ा आना है, उसमें तिलोत्तमा का बनारस जाना है, तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि पहाड़ इसमें शुरू कहाँ होता है और ख़त्म कहाँ होता है।
और जितनी चीज़ें इसमें होती हैं वो इतनी अद्भुत हैं कि नमिता ने कहीं चित्रण किया है चित्रकारी का, वो राजा रवि वर्मा तक हमको पहुंचाता है जो केरल से चले और सयाजी गायकवाड़ के यहाँ गुजरात में आए। कहीं राग पहाड़ी इन्हीं का सुझाया शीर्षक है और ये एक वाक्य विन्यास भी उपन्यास में है, मगर इसमें संगीत है, इसमें चित्रकला है, इसमें प्रकृति के बदलते दृश्य हैं और सबसे ज़्यादा इसमें बदलाव है, परंपरा और आधुनिकता का टकराव है। तो मुझे लगता है कि इनमें इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं जो शायद 1840 और 1920-10 के बीच की नहीं हैं, जो आज भी हैं। धर्मांतरण है, ब्राह्मणों का सवर्णों का एक रिश्ता जो तनाव वाला है वो है, खाना पीना है, थोड़ी वर्जनाएँ हैं, वर्जनाओं को तोड़ने की ललक है। मुझे लगता है कि ये देखने में इसका कलेवर छोटा है मगर ये अपने आप में, फिर अंग्रेजी में जिसे आप कहते हैं, इट इज़ एपिक डायमेंशंस। तो मुझे लगता है कि इसको पढ़ने का जो सुख है, और ये नमिता का बड़प्पन है कि उन्होंने कहा कि हिंदी में शायद ये उपन्यास ज़्यादा पठनीय हो, मुझे लगता है दोनों हैं, क्योंकि वो जो जादू है जहाँ कहानी ख़त्म होती है, आत्मकथा शुरू होती है, इतिहास और मिथक मिलते हैं, लोक कथा, इन्होंने अंत में जो प्रस्तावना के अलावा अंत में नमिता ने लिखा है कि पुस्तकों इस पुस्तक की रचना स्मृतियों के आधार पर हुई है, तो ये सारा खेल स्मृतियों का है। और जब आप इसे आप पढ़ते हैं तो इनकी स्मृतियाँ, मेरी स्मृतियाँ, वाणी की स्मृतियाँ हमारी स्मृतियाँ नहीं रह जाती, वो आपकी स्मृतियों का अभिन्न हिस्सा बन जाती हैं और आप सोचने लगते हैं कि आप जो पढ़ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो उपन्यास है, इतिहास है, भूगोल है, आत्मकथा है, संस्मरण है और शायद संगीत है, चित्र है। धन्यवाद। वाणी से मैं निवेदन करूंगा कि वे दो शब्द बोलें, फिर इससे एक अंश। अच्छा, हाँ पहले ये पढ़ें। जैसा कि नमिता ने कहा, हम सबकी बचपन की स्मृतियाँ भी पहाड़ हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा मेरे लिए ये किताब सचमुच जैसे एक चित्रपट है। चित्रपट है पहाड़ का, इतिहास का, हमारे समकालीन और हमारे भूत में गुजरे हुए जीवन का। तो मैं एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ रही हूँ जो बिल्कुल किताब की शुरुआत है, जैसा कि आदरणीय पुष्पेश जी ने कहा, और ये इट एक्चुअली सेट्स द मूड फॉर द होल बुक एंड इट्स रियली ब्यूटिफुल, सो शेयरिंग दिस विद यू। बारामासा। सबसे पहले आसमान नीला, गहरा नीला, हाथियों और भेड़ की शक्ल में घुमड़ते बादल और कैनवस के चक्कर काटती छोटी छोटी चिड़िया, फिर पन्नाताल के चारों तरफ की छोटी पहाड़ियां, एक मटमैली हरी धुंध में खड़े पेड़ प्रतीक्षा करते हवा के उस झोंके की जो उन्हें सहला कर हिला दे, झील कहीं नीली कहीं हरी, धूप में झिलमिलाती छोटी छोटी लहरें। मैं घास पर बैठी हूं और चित्र का एक हिस्सा हूं, वो उस चित्र में रंग भर रहा है। मैं देख रही हूं उसकी सजग आंखों को, वो जैसे मुझे पढ़ रहा है, वैसे ही एकाग्रता से जैसे वो कैनवस पर कूची चला रहा है। धन्यवाद। निरुपम जी, वाणी इतना अच्छा पढ़ी है कि अब इसके बाद रीडर की भूमिका में मेरा आना वैसे ही है जैसे कि कोई बहुत शानदार ढंग से चल के गया हो और उसके पीछे कोई दौड़ जाए, तो मैं दौड़ने आया हूँ। आकाश फट पड़ा। यह एक दो छोटे छोटे टुकड़े हैं, एक पहाड़ से और एक बनारस से, यानी कि एक मैदान से। 16 सितंबर 1880 बुधवार के दिन नैनीताल पर आकाश फट पड़ा। लगातार 4 दिन 4 रात बारिश होती रही।
आकाश में इतना अंधेरा था मानो रात हो. लगातार बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी, इस कदर कि नैनीताल वासियों को इनकी आदत सी पड़ गई. और इसी कारण जब धरती और आकाश जरा शांत हुए तो उन्हें इनकी कमी खटकने लगी. तल्ली ताल के बड़ा बाजार वाले मकान में सरकारी वकील देवीदत्त पंत बिस्तर पर बीमार पड़े थे. खिड़की के लकड़ी के कपाट बारिश को बाहर रखने के लिए लगभग हफ्ते भर से बंद कर दिए गए थे. कुछ वैसे ही जब बद्रीदत्त उप्रेती को फांसी पर लटकाए जाने के बाद उन्हें हफ्ता भर बंद रखा गया था. उनका शरीर बुखार से तप रहा था और उनका दिमाग इधर उधर भटक रहा था. वह वर्तमान, अतीत और कभी कभी भविष्य को भी गटमट करते हुए अस्फुट बड़बड़ा रहे थे. वह अपनी बहन दुर्गा देवी को सपनों में देख रहे थे जो ताल में डूब गई थी, और उसकी लड़की तिलोत्तमा और उस बच्ची देवकी को जिसे उन्होंने कभी अपनी गोद में नहीं बिठाया था. उनके होशो हवास धीरे धीरे थके शरीर से बिछुड़ रहे थे. तिल्ली के बारे में कुछ अजीब सा दिख रहा था. वह एक हरी झील के किनारे एक मर्दाना कोट पहने बैठी थी. उसके पुरोहित ने तूफान का सामना करते हुए बड़ा बाजार वाले घर तक आने का साहस दिखलाया, जहां उसने कई शुभ कार्यों में पूजा पाठ संपन्न कराया था. उसने पंचांग टटोले और तिथियों का विस्तार से अध्ययन करने के बाद नक्षत्रों की ग्रह दशा बैठाई. महीना भाद्रपद का था और विक्रम संवत 1936. ग्रह दशा तो यही बतला रही है कि इनकी आयु पूरी हो चुकी है, इनका समय आ गया है. बड़े दुख के साथ उसने घोषणा की और यह भी कहा, हरी इच्छा बलवान. बाहर तूफान के थपेड़े जारी थे. 19 सितंबर शनिवार के दिन पहला भूस्खलन हुआ. तब तक 33 इंच वर्षा दर्ज हो चुकी थी. चीना पहाड़ी के सामने वाले हिस्से से पुराने देवदार के पेड़ और एक मकान की आकार की चट्टाने खिसक कर झील की तरफ लुढ़क कर आने लगीं. ऐसे ही किसी आपदा का सामना करने के लिए कमिश्नर हेनरी रामजे ने उन घरों को खाली करवा लिया था जो इस दिशा में थे. विक्टोरिया होटल का मलबा अपने साथ बहा कर ले गया और असेंबली हॉल के सामने वाले इलाके में 151 लोगों ने अपनी जान गंवाई. इसके बाद फिर एक बार बादल कड़के और बिजली लगातार चमकती रही. लोगों ने अपनी याददाश्त में बिजली का ऐसा कड़कना और चमकना नहीं देखा था. लोगों ने झील पहाड़ों को बुला रही थी. इस बार बैल्स डिपार्टमेंटल स्टोर पत्थरों और चट्टानों की तबाह करने वाली ताकतों का शिकार बना. जो लोग राहत कार्य में लगे थे वे खुद फंस गए. मकानों का मलबा, कपड़े के थान, उनके फूलों के बोल, टाइयाँ, रेशमी गाँव तक ये सब इनके साथ साथ ताल की तलहट पर पहुँच गए, मानो अगली जिंदगी को आरामदेह बनाने के लिए. मल्ली ताल में झील के किनारे घोड़ों के अस्तबल के पास झुर्रीदार चेहरे वाली एक बूढ़ी पत्थरों की छोटी सी कुटिया में अकेले रहती थी. वह घोड़ों की रखवाली करने वाले सईसों को चाय और समोसे बेचकर गुजर बसर करती थी. किसी को यह पता नहीं था कि वह हिंदू है या मुसलमान. कुछ लोगों को उसके जीता जागता इंसान होने में भी शक था. वह अपने नाती के साथ वहाँ रहती थी जिससे उसे बड़ी उम्मीदें थीं. बारिश जाने कब से हो रही थी, पर उसने छोटी सी एक पेटी में कोयले दहका रखे थे, ज़रूरत पड़ने पर कुछ भी ढूंढने को. वह लपटों को भड़काने के लिए फुकनी से हवा कर रही थी. बीच में रुक कर अपना सर जरा मोड़ कर कुछ सुनने की कोशिश करती. उसके नाती ने पूछा, दादी पहाड़ क्या कर रहे हैं? उसका मानना था कि उसकी दादी सब कुछ जानती है. दादी ने देर तक उसे बहुत प्यार से और कोमलता से देखा, फिर बोली, मेरे बेटा वे यह कह रहे हैं कि अब तुम्हें मुझे छोड़कर भागते हुए तल्ली ताल जाना चाहिए, जहाँ तुम्हारे चाचा रहते हैं. बारिश की परवाह करने की ज़रूरत नहीं, और न ही कीचड़ की, न अंधेरे से डरने की. चमकती बिजली तुम्हें रास्ता दिखलाएगी और बादलों की गड़गड़ाहट तुम्हें खतरों से आगाह करेगी. बिना कुछ सवाल पूछे वह चल पड़ा. तभी जमीन कांपी जैसे वह खुशी में झूल रही हो. पुराने पेड़ मकानों से बड़ी चट्टानें लुढ़कती हुई आने लगीं. वे पेड़ जिन्हें अत्रि पुलश और पुलत ऋषियों ने हजार साल पहले लगाया था, जब मानसरोवर झील का जल वे अपने तपोबल से गंधमादन पर्वत से यहाँ ले आए थे. चट्टानें शोर के साथ झील की तरफ
गरम कीचड़ और मिट्टी को लेकर बढ़ रही थीं, अपने मार्ग में आने वाली हर चीज़ के साथ। बुढ़िया की लकड़ी वाली झोपड़ी में आग बुझा दी गई। अंधेरे में वह घोड़ों का भयभीत होकर हिनहिनाना और पैर पटकना सुन रही थी। नैनीताल का भूगोल रातों रात बदल गया। नैना देवी का मंदिर, जहाँ सती की आँखें तब गिरी थीं जब विष्णु ने शिव के कंधे पर लदे उसके शव को अपने चक्र से काटा था, ताल में डूब गया। पत्थरों, चट्टानों, मलबे, पेड़ों और मानव शरीर के लोथड़ों के साथ 17 घोड़े मलबे में फंसे थे। और जिस बूढ़ी औरत ने पहाड़ों को बोलते सुना था, वह हमेशा के लिए चुप हो गई थी। देवी दत्तपंत ने भी अपनी आखिरी सांस ले ली। पुरोहित ने उनकी पलकें बंद की और उन पर गंगा जल छिड़का। वह पवित्र तुलसी के पत्तों का एक गुच्छा सदा अपने साथ पगड़ी में के फांटे में रखते थे। सरूली ने सोने का एक छोटा टुकड़ा अपनी साड़ी के एक पल्लू में बांध रखा था। ऐसे दुर्दिन के लिए तैयार होना ही अकलमंदी था। बाहर हवा चिघाड़ रही थी और बारिश की बौछार खिड़की के कपाट पर सर पटक रही थी। हर इच्छा बलवान, पुरोहित ने दोहराया, कुछ पूर्ण विराम लगाने वाले और कुछ सांत्वना देने वाले अंदाज में। सरूली को आगे का अपना जीवन अकेले ही बिताना था। अगले जीवन में अब फिर मुलाकात होगी, उसकी पत्नी के रूप में या फिर माँ बेटी के रूप में। उसके पति ने कभी उससे सख्ती से बात नहीं की थी और न ही कभी बांझ होने के कारण से दोष दिया था। वह एक अच्छा इंसान था। अब एक दूसरा टुकड़ा बनारस प्रसंग से। बनारस, पवित्र बनारस। तिलोत्तमा इस अनादि अनंत नगर के घाट की सीढ़ियों पर बैठी है। गंगा का पानी उसके पैरों को धोता, लहराता, बहता जा रहा है। यहाँ तक पहुँचाने वाली यात्रा काफ़ी लंबी रही है, पर यहाँ तीर्थयात्रियों की भीड़ में, उनकी धक्का मुक्की में उसका चित्त शांत है, कम से कम इस पल। पानी की आवाज़ उसके कानों में है, वह घंटियाँ सुन सकती है। कीर्तन के कुछ शब्द और जलती चिताओं के पास से दाह संस्कार का गंभीर मंत्रोच्चारण, राम नाम सत्य है। संध्या की आरती का समय हो गया है। घंटियाँ टंटना रही हैं, शंखों का शोर है, वातावरण में धूप बत्ती की सुगंध व्याप्त है। तिलोत्तमा 80 घाट पर बैठी अपने आसपास की ध्वनियों को, गंध को सोख रही है। उसका कुतूहल पहले जैसा अदम्य है, जिजीवसा भी। कुमायूं के पहाड़ों में देवकी ताल के पास बैठी है, जिसके चारों तरफ के ऊंचे पेड़ों की छाया गहरा रही है। रोज़ मेरी चुपचाप उसके पास आकर हरे रंग वाली उस बेंच पर बैठ जाती है, जिसे विलियम आओ ने उसके लिए गरुण के पेड़ की लकड़ी से बनाया था। दोनों सुखद चुप्पी को बरकरार रख बैठे रहते हैं। एक पहाड़ी पक्षी पुकारता आसमान में उड़ जाता है। हिमालयी बयार उनके बालों को सहलाती है, वैसे जैसे बोडेन दादी सहलाती थीं और जैसे तिलोत्तमा ने कभी नहीं सहलाया। जब पंछी अपने घोंसलों में चले गए, तब ये दोनों औरतें भी ईडन आश्रम लौट गईं, जहाँ जयेश बरामदे में बैठा उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। जब नई सदी का पहला दशक समाप्त हो रहा था, सब कुछ अद्भुत और विचित्र लगने लगा था। बिजली के बल्ब और रेडियो, बिना घोड़ों के गाड़ियाँ यानी मोटर कार और हवाई जहाज, कुछ लोगों को लग रहा था कि एक नया साहसी संसार जन्म ले रहा है। भारत में अंग्रेजों ने रेल की पटरियों का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा जाल बिछा दिया था। जूट उद्योग पनप रहा था, कपड़े और चाय का उत्पादन बढ़ रहा था, साम्राज्य का सूर्य आसमान में चमक रहा था। किसी को मध्य वर्ग के असंतोष या बीच बीच में पड़ने वाले अकालों की सुध लेने की फुर्सत न थी। किसी को खबर न थी कि यह बदलाव किस ओर ले जाएगा, परंतु माहौल रोमांचक था, उत्तेजना से भरा। बनारस में तिलोत्तमा अपने इर्द गिर्द की परम आह्लादकारी धार्मिकता से उकताने लगी थी। यह शहर संगीत और नृत्य की नगरी भी था, मुशायरों और मुजरों की महफिल सजाने वाला। पर इस दुनिया में उसकी पहुंच न थी। उसे मिठाइयों और नमकीनों का चस्का लग गया था, लत सी पड़ गई थी उनकी, खासकर उन पेड़ों और ठंडाई की जो गली में मिलते थे। सफ़ेद कपड़े पहने चेलों तथा गेरुआ चोले धारण किए साधुओं के झुंड, घरों की चारदीवारी से बाहर गूंजते बांसुरी के स्वर और हवा में सुगंध के साथ कचरे की बदबू उसे थकाने लगी थी। वह सीढ़ी वाले घाट पर बैठी चिताओं से उठता धुआं देखती,
महान गंगा को निहारती अपने उच्छ्वास के साथ नदी को अपने भीतर सोखती और पानी पर उतराती नावों तथा बजरों को देखती। जल प्रवाह कभी थमता नहीं था किंतु उसे पहाड़ बुलाने लगे थे। वह सपनों में चीड़ की नम लकड़ी की गंध सूंघती, बैंगनी आकाश और गर्मियों में अंधेरी पहाड़ी रातों को उजियारा करने वाले जुगनुओं को देखती। एक दिन उसने आसमान में पीली चील को ऊंचे मंडराते देखा। अपने विचित्र स्वभाव के अनुरूप उसने इसे हिमालय की छाया में अपने घर वापस लौटने का शकुन संकेत मान लिया। अल्मोड़ा नहीं और पन्ना ताल की तलैया में तो कतई नहीं, उसने फैसला किया। उसने अल्मोड़ा वाला अपना घर बेचकर नैनीताल में रहने का फैसला किया। धन्यवाद। अगर आप में से कोई सवाल पूछना चाहें तो स्वागत है। आपने जो मेरे को जिस चीज के आपने बुक के बारे में बताया, जो आपकी बुक थी, आवाज नहीं आ रही आपकी। आपने बहुत अच्छा बताया कि पहाड़ से हमारे को क्या सब मिलता है, ठंडी हवा, हरियाली और कई चीज़ें। जैसे पहाड़ पर आपने बताया कि चिड़िया महकती रहती है और आपको अच्छा लगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, इट वॉज लवली हियरिंग इट। I would ask one question. It is actually a poetry set in prose. Why you have selected prose instead of poetry? I think जब दिल्ली में इस पर चर्चा हो रहा था तो मैंने कहा था कि कहीं मैंने बचपन में पढ़ा था, good prose is poetry refused. आप जानबूझकर ये निर्णय लेते हैं कि आप कविता नहीं करेंगे मगर आप गद्य लिखेंगे। मगर जो मुझे इसमें सबसे चुनौती भी थी और अच्छा लगा कि ये सिर्फ गद्य और पद्य का प्रश्न नहीं है। आपके सामने जब कहते हैं आकाश का रंग बैंगनी हो रहा था, तो आपको जब तक आपने वर्षा ऋतु में धुला हुआ पहाड़ में आसमान बैंगनी न देखा हो तो आपको बैंगनी रंग फलसई रंग समझ में नहीं आएगा। आप उतने गहरे कुहासे में न रहे हों जहाँ सलेटी कुहासा आपके चारों ओर है। जो अभी इन्होंने पंक्तियाँ पढ़ी, अब कहाँ किस शहर में रहने वाले ने जुगनुओं की रोशनी को देखा है? कहाँ जुगनुओं से रोशनी पहाड़ के गांव में बिजली की रोशनी के अभाव में होती थी? वो तो पहाड़ियों के नसीब में भी नहीं है। तो मुझे लगता है इसमें कई चीज़ें हैं। जो न्योली इन्होंने कही थी, जो बेड़ूपा को, इन्होंने कहा कि चैत का महीना आ रहा है, मगर वो बारहमासा है। वो बारहमासा में सिर्फ चैत नहीं है, चैत में तो श्रृंगार रस है मगर उसमें विरही नायिका है। पहाड़ में तो वो जो बेचारी गांव की बहू थी वो कहीं और जाती थी लड़की बहू बनकर, तो चैत में उसकी भिटूली आती थी, उसका भाई लेके आता था। और जो इन जो हम ये गा रही थी तो जब रूना भूना दिन आया कहा। अगला क्वेश्चन। हेलो, मैं पुष्पेश पंत सर से पूछना चाहूँगा कि परंपरा और आधुनिकता की लड़ाई बहुत बड़ी चली भी है और पुस्तक के माध्यम से भी हमें थोड़ा बहुत जानने का मौका मिला है, जो किरदार के माध्यम से। तो सर, हम जानते हैं कि आधुनिकता हमेशा लीड करती है, प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन उस बीच में जो लड़ाई का दौर होता है या उसको अडेप्ट करने में जो समस्याएँ आती है, जो कई बार देखने को मिलती है, तो उसके बारे में जानना चाहूँगा कि जो विरोधाभास पनपते हैं उस पर आप कुछ कहना चाहोगे? देखिए, जैसे मुझे लगता है ना, हम कहते हैं कि धर्म शाश्वत और सनातन है, तो मुझे लगता है परंपरा और आधुनिकता का जो रिश्ता है वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों साल से चला आ रहा है। महाभारत काल से भी परंपरा थी और आधुनिकता थी, आज भी परंपरा और आधुनिकता है। और मुझे लगता है कि परंपरा के बारे में हम ये सोचते हैं कि वो जड़ है, मृत है, ऐसा नहीं है। परंपरा है तभी वो जीवित है और आधुनिकता में भी जीवित है। एक छोटा उदाहरण है बहुत संक्षेप में, एक अध्याय का शीर्षक है द्विज।
तो द्विज का अर्थ यह है कि जो ब्राह्मण या सवर्ण पैदा होता है और यज्ञोपवीत होता है वो दो बार पैदा होता है। इसमें जब जयेश का बपतिस्मा होता है तो वो अपने को उस जड़ रूढ़ की बेड़ियों से तोड़कर मुक्त करने के लिए ईसाई के रूप में दोबारा जन्म ले रहा है। और एक थ्रो अवे सेंटेंस इनके उपन्यास में है कि शायद उसने तय कर लिया था कि अब वो उन सब रूढ़ियों को सवर्ण ठुल द्वितीय ब्राह्मणों के कुल परंपरा को छोड़ेगा। पुष्पेश जी, कितना आसान या कठिन रहा है इसको ट्रांसलेट करना? कुछ ऐसे एग्जांपल्स, कुछ इंग्लिश के वर्ड जिनको हिंदी में करना कैसा रहा? नहीं, मुझे लगता है बहुत असंभव है और मेरे लगता है मैं पुस्तक के साथ मैंने न्याय नहीं किया, इसका एहसास मुझे है। भैया ने जो कविता की बात की थी, कविता कभी पूरी नहीं होती, कवि उसे बार बार रिवाइज करता है, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि दूसरे संस्करण के पहले मैं एक अनुवाद और कर डालूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में इनका जो अद्भुत जादूगरी थी वो कई रजिस्टर्स उसमें आवाज़ की हैं। उसमें खांटी अंग्रेज़ हिंदी बोल रहा है रैमजे, उसमें एंग्लो इंडियन महिला है जिसे बाकी अंग्रेज़ हिकारत की दृष्टि से देखते हैं, उसमें ओल्ड टेस्टमेंट की बाइबल का 19वीं सदी का कुमाऊनी अनुवाद पर आधारित एक वाक्य है जो मैं कर ही नहीं पाया, तो मैं उसमें एक सीधा वाक्य है, आई लुक टुवर्ड्स द माउंटेन वेयर फ्रॉम कम्स द हेल्प, आई वॉक इन द वैली ऑफ द शेडो ऑफ डेथ बट आई एम नॉट अफ्रेड। अब जब तक बाइबल का जो सुख संगीत है इसका हिंदी में अनुवाद असंभव है मेरे लिए। पहले चैप्टर के शीर्षक का अनुवाद किताब प्रेस में जाने के एक दिन पहले दी है इन्होंने। आप समझ सकते हैं कितना आसान रहा है। और कोई सवाल? जी, एक सवाल यहाँ। बहुत अच्छा सेशन था पुष्पेश जी को, मैंने उस दिन अनुवाद के सेशन में भी सुना। नमिता जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि मेरे पास अंग्रेज़ी भी है हिंदी भी है और मैं उनको, मेरे लिए बड़ा सीखने का बहुत अच्छा मौका होता है कि कुछ अच्छा अनुवादक और अच्छा लेखक। आप जब पुष्पेश अनुवाद कर रहे होते हैं तो उसमें आपकी कितनी शिरकत होती है एज अ ट्रांसलेटर एंड अ राइटर? आई वुड लाइक टू आस्क, how far is Namita ji herself involved in the act of translation? What is the point of overlap between your work and so on? You know, मैंने तो इसको जब छप गई तब पढ़ा, क्योंकि I have such faith in Pushpesh. Pushpesh is my adore. I mean, he's my older cousin. I've known him since I was a little girl and he was a slightly. So I've known him for years and years and years, all my life long. I've admired his versatility in English and Hindi. तो मुझे पता था कि अगर दुनिया में कोई इस किताब को ठीक से ट्रांसलेट कर सकता है, क्योंकि वो समझेंगे कि उसका जो कुमाऊँ का जो एक बीटिंग हार्ट ऑफ कुमाऊँ इसमें है, ओनली ही कैन अंडरस्टैंड इट। ये भी बहुत उदार थी और सत्यानंद जी भी बहुत उदार थे। जब आप इस उपन्यास को हिंदी में पढ़ेंगे तो कहीं कहीं वाक्य विन्यास की गलतियां आपको खटकेंगी, कहीं कहीं शब्द आपको खटकेंगे, मगर वो जानबूझकर किया गया है कि पहाड़ी बोली में सीलन नहीं कहते, सिलाब कहते हैं, तो मुझे सिलाब कहना ही अच्छा लगा। और कहीं वो जब किसी, आप एक प्रश्न पूछ रहे हैं। हेलो, हाँ मैम, मेरा एक जो नज़रिया है, क्या हम किसी सीमित कमरे में बैठ के चीज़ों को एक प्रकृति के जो आयाम होते हैं उनके साथ जोड़ के क्या हमको अव्यक्त कर सकते हैं? अभिव्यक्ति का माध्यम क्या गद्य या पद्य होने चाहिए? ऐसा उसमें कोई मतलब टकराव तो नहीं है क्या? हम अभिव्यक्ति को नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। मैंने शुरू में कहने की कोशिश की थी, जो चित्रकार है वो चित्रकारी से अभिव्यक्त करता है, जो संगीतकार है वो स्वरों से करता है, और अगर इसी उत्सव की आप बात करें तो वैज्ञानिक हैं जो कहते हैं उनको एक सौंदर्य गणित के समीकरण में नजर आता है, तो जिससे जो बन पड़ता है, हमारी औकात जो थी हमने वही किया। आई थिंक वी आउट ऑफ टाइम। एक सवाल पीछे से हाथ उठा है, जरूर ले लेना चाहिए पीछे का सवाल। हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, दिस इज मेजर अमित, आई एम अ वेटरन। Ma'am and Pant ji, just I would like to know that this is only the storytelling or it's a abhivyakti. What this book is going to impact on the new generation and the civilization in today's day life? Thank you. I think the expression is perhaps not the right word. All an artist does is communication.
आप अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, उसका क्या प्रभाव स्वांता सुखाय होगा, बहुजन हिताय होगा, वो गोस्वामी जी ने जो कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वो लिखते वक्त आदमी नहीं सोचता। पर ये बात ज़रूर है कि जो नई पीढ़ी है जो समझती है कि मोबाइल फ़ोन से पहले कोई ज़िंदगी थी नहीं, उनको अगर रीसेंट हिस्ट्री ज़रा दिखे और ये भी दिखे कि ह्यूमन नेचर डज नॉट चेंज, तो फिर मुझे लगेगा वो कुछ समझेंगे। ऑन दैट नोट, थैंक यू निरुपम जी, पुष्पेश, वाणी, एंड यू मैम, थैंक यू जयपुर लिटरेचर फेस्ट।